कायम रख पाएगी। इस मुकाबले की शुरुआत के लिए दोनों टीम्स को मैट पे बुलाना आते हुए किस्मत को परफॉर्म करना पड़ेगा और उनका साथ कौन निभाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। बेहद है हर्षित जी, हाँ बहुत बहुत अभिनंदन आयुष। और चलिए शुभ इस विंटर एडिशन 2023 चैलेंजर राउंड का अंतिम दिन, और देखते हैं कि आज कौन वहां पर भारत का ट्रेवल ऐप एंड टू एंड सॉल्यूशन ढूंढ रहा है और किसे मिल चुका है। हालांकि दर्शकों यहां पर तो टीमें जद्दोजहद कर रहे हैं कि कौन समिट राउंड तक पहुंच सकेगा, बट आपको जहां कहीं भी पहुंचना हो आप मत सोचिएगा। जैसे यहां पर रोहित बेनीवाल ने उड़ान भरते हुए टच पॉइंट अर्जित किया है, साथ ही एक बोनस लिया है, आप भी आपकी फ्लाइट टिकट्स बड़ी जल्दी इज माई ट्रिप से कीजिए, डिस्काउंट रेट्स पर कीजिए और वहां पर पा जाइए आसान आपका ट्रेवल प्लान। सीरीज में उनका अच्छा एफर्ट भी रहा है वहां पर। रोहित बेनीवाल की अगर आप ओवरऑल रेट्स की बात करें, 222 रेट्स लगाई, 122 पॉइंट्स मिले हैं 97 में, उनके पास टच पॉइंट्स है, बोनस पॉइंट 25 है, ये क्या 98 हुआ उनके लिए, मतलब तुरंत वहां पर रिव्यू के लिए तरफ इशारा कर दिया था। अगर मना होता तो भी ये जरूर शायद रिव्यू के लिए जाते, बट टच पॉइंट बड़ा ईजी था। यहाँ निशान चौहान का अटैक आता हुआ, एंकल होल्ड ये चाहिए इनसे हमें, टू स्टार परफॉर्मेंस रहा है अरावली एरोस का अगर आप देखें, बट यहां बोनस जरूर रोहित बेनीवाल ने चुरा लिया था और उसी बोनस का फायदा मिला है। एक एक करके आपके अंक में इजाफा होता है, पहले बोनस निकाला गया, पहले भी सेम पोजीशन वहां पर पेरियार पैंथर्स भी हैं और कितने अच्छे दृश्य हैं यहां पर, काफी सुंदर अनुभव कराते हैं ये दृश्य। बट यहां पर गंगाराम इन्होंने यहां पर अपना रॉकेट पैड पर जाकर लॉन्च कर दिया है खुद को, अब ये तैयार हो चुके हैं। इससे पहले वहां पर डिफेंस में उन्होंने शानदार एंकल होल्ड किया और अब यहां पर लॉन्च पैड पे एक बार फिर से अपने आप को लॉन्च किया और रेडर के तौर पर 2 अंक अर्जित किया। 2 टच, ये बहुत अच्छी रेट थी किस्मत की। और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं अर्जित जो सिंह सोनी की टीम भले बाहर होती हुई नजर आएगी लेकिन उसमें से परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं, और शायद इनको थोड़ा और तराशा जाए तो इनकी पोटेंशियल जो कार्य ये कर रहे हैं उससे और बेहतर है। बिल्कुल एक जुटता में कार्य कर रचित यादव वहां पर आपको नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे हैं कौन, विजयनगर अवीज के श्रीनाथ तेजावत, बट अभी आपको आपकी स्क्रीन की लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर नजर आ रहा है वो ग्रीन अर्थ इनिशिएटिव, 239 पेड़ सैपलिंग्स लगाई जा चुकी है आयुष, क्योंकि ये मुकाबला 107वां है, इससे पहले 132 वहां पर मदुरई एडिशन के दौरान हमने लगाए थे और गंगाराम को बाहर का रास्ता दिखलाया। किस्मत सिंह की पिछली रेड जो थी ना जहां पर उन्होंने 2 पॉइंट अर्जित किए थे, बहुत शानदार रेड थी और आशा करेंगे कि हम उसे वापस देख पाएं, क्योंकि जिस तरह से अटैक करते हुए नजर आए थे राइट इन को भी राइट कॉर्नर को भी 2 बार उन्होंने हाथ चलाए थे तो अच्छी स्किल नजर आई थी, 2 बार हैंड टच वहां पर किया एक ही कॉर्नर पर। अब किस्मत शायद ज्यादा अंदर जाना नहीं चाहेंगे या फिर जाएंगे तो पकड़ लिए जाएंगे, दबोच लिए जाएंगे, धर लिए जाएंगे। रोहित बेनीवाल का वैसे भी रिवाइवल हो चुका है, जिस सीक्वेंस में खिलाड़ी आउट होते हैं उसी सीक्वेंस में अंदर आते हैं, तो वो फिर इनकी पोजीशन के ऊपर मौजूद थे लेकिन कॉर्नर पे यहाँ अनुज सैनी नहीं थे, उनकी जगह उनके साथ ही मौजूद और जिन्होंने चंद्र प्रकाश ने शायद वो इनिशिएशन देखिएगा उनके वो स्टिचेस जो कि कवर्ड है उस बैंडेज के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी मैट पे आए, जिगरा चाहिए। यकीन मानिए एक भी खिलाड़ी का हाथ गलती से भी उस पार्ट पे लग गया तो ये अच्छे संकेत नहीं होने वाले हैं। अरावली एरोस रोहित बेनीवाल की रेड 18-9-2 का पहाड़ा पड़ाने की कोशिश है, लॉबी का इस्तेमाल है, निश्चित तौर पे मतलब है लेफ्ट इन बाहर है। अरावली एरोस नंबर 8 आउट, यही कलाकारी है इस खिलाड़ी की। सिंह सोनी के डिफेंस में अब तक सिर्फ 2 पॉइंट आए अर्चित और उसमें से भी निशांत ने दोनों के दोनों दिलाए जो अभी मैट पे है। सुपर टैकल की सिचुएशन है, निशांत डबल एंकल के ऊपर चले गए, एक एंकल को पकड़ा गया, दूसरे कॉर्नर से भी सपोर्ट आया, ये स्ट्रगल ओम प्रकाश चौधरी की जारी थी जो अब नहीं रहेगी। सुपर टैकल, सिंह सोनी को 2 पॉइंट, निशांत का तीसरा शिकार। चलिए आज सिंह सोनी की एक बार फिर से सुपर टैकल करते हुए, सुपर टैकल में अलग शक्तियां आ जाती है इनमें। ये देखिए पहले दोनों थाइस पर जाना चाहते थे, एंगल को वहां पर चेंज करने के लिए प्रिंस कुमार रॉय गए और अच्छा डायरेक्शन बदलाव किया उन्होंने और राजू सिंह बाहर चले गए हैं। क्रिश रिश्ते को कहेंगे चलिए आप दिल खोल के आज के लिए आने वाला समय को अपना बनाइए, कोशिश कीजिए आने वाले 25 मिनट में आप कुछ ऐसा कर जाएं कि अगली बार जब फिर से सिंह सोनी आए तो आपके ऊपर थोड़ा सा और विश्वास जताए। यहाँ गंगाराम फिर से आए, निशान चौहान को शिकार बनाए, 2 टच किया है, 21वां पॉइंट अरावली एरोस के लिए। अरावली एरोस नंबर 71 आउट, राजू कल्ला बैठे हैं, राजू कल्ला आयुष वहां पर बैठे हैं, अगला मुकाबला विजयनगर वीर्स का आना है, क्या गंगाराम इस बार निकल जाएंगे? और बिल्कुल निकल जाएंगे, 3 पॉइंट की डिमांड कर जाएंगे, सुपर रेट की डिमांड कर जाएंगे, क्या ये हो सकता है इज माई ट्रिप का बड़े कमाल मोमेंट आयुष।
में कोई दोराय नहीं है। नंबर तीन का ये खिलाड़ी गंगाराम तीन नंबर इंडिकेट करता हुआ नजर आया कि ये सुपर रेड है और पिछले कुछ समय से इनसे बहुत ज्यादा रेड लगवाई नहीं गई थी। इज माई ट्रिप कमाल मूवमेंट और अपनी टीम के लिए टर्न दिखाया, आउटवर्ड टर्न था, लॉबी का इस्तेमाल किया डिफेंडर जो। चलिए तो 8 तारीख से मुझे क्या काम करना है वो मुझे पता चल गया, एक और प्रोफेशन के अंदर एंट्री मारने को मैं तैयार हूँ। 25-18 सिंसोनिक की टीम ट्रेल कर रही है, सुपर टैकल की सिचुएशन लगातार बनी हुई है। ओम प्रकाश चौधरी एक सक्सेसफुल सुपर टैकल है, एक अनसक्सेसफुल है, क्या दूसरे में सक्सेस पाएंगे? इस बार फिर डिफेंडर्स के बीच में से अपने पांव को पार किया, सुपर टैकल को फेल किया, सिंसोनिक को ऑल आउट दिया की कोशिश की है। चोटिल है लेकिन मानसिक तौर पे जो स्टेबिलिटी इस खिलाड़ी ने दिखाई है हर्षित, उसकी तारीफ करनी होगी और इसीलिए रामली हरोज ने उन्हें इस मुकाबले में खिलाया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये मैच खिलाना बहुत जरूरी है। अगला मैच जो आएगा वो क्वालिफायर नंबर 2 हो सकता है, वो रामली खेलते हुए आपको नजर आए। राइट कवर से अटैक आता हुआ बोनस जरूर वहां पर फिर से चुला लिया था ओम प्रकाश चौधरी ने, पर कवर का अच्छा अटैक और कोई सपोर्ट यदि मिलता तो कहानी तरह आए हैं। हर संस्करण को मिलाते हुए यानी कि ओवरऑल इनके ये आंकड़े हैं जो आंकड़े बहुत ज्यादा नाखुश निराश करने वाले होंगे नहीं, वो भी तब जब आप एक प्राइमरी नहीं सेकेंडरी रेडर हो। बिल्कुल, और ब्रजपाल सिंह गौर आज नहीं खेले, क्या रामली हरोज थोड़ा सा ट्राई कर सकती है ब्रजपाल सिंह गौर के फॉर्म को भी, क्योंकि समिट राउंड इंपॉर्टेंट होगा, समिट राउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट प्रिंस कुमार रॉय जब इन्हें हमने पहले मैच में एज अ डिफेंडर देखा तो हमारी छवि यही थी कि ये तो एक रेडर है, पर चले डिफेंडर के तौर पर भी इन्होंने ठीक ठाक सा कार्य किया। जब आप सिंसोनिक की टीम से खेल रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यूसली मिलेगी, बट एज अ रेडर ये एक ज्यादा कमाल खिलाड़ी है, इसीलिए तो इन्होंने लगाया इज माई ट्रिप कमाल मोमेंट। कोई ज्यादा स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आने वाले समय में कबड्डी के वहाँ पर लगातार मुकाबले उन्हें किस तरह से प्रस्तारित करने हैं। बट ये क्या था, प्रिंस कुमार रॉय ने पहले पकड़ा और उसके बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि ओम प्रकाश चौधरी हल्का सा पीछे आकर निकल गए, यानी कि हम जानते हैं कि गाड़ी को आगे चलाना बहुत जरूरी है बट गाड़ी को पीछे चलाकर वहां पर टर्न लेना भी कभी कभी जरूरी हो जाता है। पिछले 2 मिनट में 3 सुपर रेड आई है, 2 अरावली एरोज ने, 1 सिंसोनिक ने निकाली है, लेकिन ये इज माई ट्रिप कमाल मुंबीर आज टैकल करते हुए शुरुआत ढूंढना चाह रहे थे। स्टार्टिंग 7 में जगह नहीं मिली लेकिन सब्स्टिट्यूट होकर आने के बावजूद 3 पॉइंट निकाले, तो 3 का डिफेंस सिंसोनिक के खेमे में है, का मतलब ये कि सुपर टैकल की सिचुएशन। ओम प्रकाश चौधरी सुपर 10 लगाने वाला ये खिलाड़ी अरावली एरोज का दूसरा ऐसा खिलाड़ी जिसने आज के मुकाबले में सुपर 10 लगाई है। हाई के ऊपर ग्रिप सही से नहीं बनी, टर्न ट्विस्ट दिखाते हुए ओम प्रकाश चौधरी अपनी टीम के लिए 2 ऑल आउट आए और सिंसोनिक को एक और ऑल आउट के पास धकेल आए हैं। विकास और प्रिंस क्या कर रहे थे एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर, और विकास यहाँ पर अटैक करने गए, एक बार वो निकल गए और उसके बाद तो प्रयास करेंगे अनुज सैनी किया, 4 टैकल पॉइंट्स, 1 टैकल पॉइंट गंगाराम को मिला, 4 टैकल पॉइंट जसवीर वहां पर ले चुके हैं। ओम प्रकाश चौधरी वहां पर सब्स्टिट्यूट से आके 14 अंक और 13 अंक मिले हैं रोहित बेनीवाल को। यहाँ पर फिर से ओम प्रकाश चौधरी आज फायर कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। ब्रजपाल सिंह को अचंभित करने वाले क्षण यही रहे कि या तो राजू चले तो अजय और किस्मत नहीं चले, अजय चले हैं तो कई बार राजू ने साथ दिया है बट किस्मत का साथ नहीं मिला है वहां पर। यहाँ खुश हुए हैं सिंसोनिक के एक खिलाड़ी, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जसवीर सिंह निर्वाण का शिकार बनाया है और उससे भी बड़ी बात अपनी टीम को एक रिवाइवल दिलाया है। जसवीर निर्वाण 5 सक्सेसफुल तो 5 अंक देना होता है, थोड़ा सा वो भय देना होता है कि आप वहां से आ सकते हैं, और जब वो भय नहीं होता है तो आपकी निगाहें भी होती है और वहीं पर आपका निशाना होता है। बट अब भीषण यादव रेड पर हैं, भीषण यादव एक कवर डिफेंडर हैं, जरूर क्वेश्चन करेंगे, एक भीषण प्रयास करें अपनी टीम को रिवाइवल दिलाएं। पिछली बार काजू ने वहां पर रिवाइवल दिलाया था। जसवीर सिंह निर्वाण जैसा आयुष आपने बताया कि 10 टैकल जो है वो इनिशिएट कर चुके हैं, 5 में सक्सेस मिली है, 5 अनसक्सेसफुल गए हैं और ये छठा अनसक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि कोशिश करते हैं वो कुछ प्रयास करते हैं। हालांकि पहली बार हमने देखा है जब उनके सामने टो टच के लिए टो को पीछे लिफ्ट किया गया था तो वो एंकल होल्ड के लिए नहीं गए। ये सुपर टैकल की परिस्थिति, दुविधाजनक परिस्थिति, सिंसोनिक का एक और ऑल आउट, अरावली एरोज अपने रेडर्स के बनिस्पत हार नहीं रहा है अपने ओपोनेंट सिंसोनिक को, और वही गलतियां एक बार फिर से दोहराता हुआ सिंसोनिक का डिफेंस नजर आ रहा है। बट चलिए यहाँ एक बार फिर से बहुत ही अच्छा टर्न किया था, दोनों डिफेंडर एक तरफ आ गए थे, प्रिंस कुमार रॉय भी तैयारी कर रहे थे, भीषण ने कहा कि चलिए मैं जाता हूँ दोनों थाईस पर, और 16 टच पॉइंट्स, 5 बोनस के अंक, बहुत बढ़िया खेले किस्मत सिंह आज, बहुत अच्छा खेले और आज आपने इस मुकाबले में ऐसा परफॉर्मेंस दिखलाकर जरूर बहुत सारे सिलेक्टर्स के लिए एक और प्रश्न चिन्ह दिखाया है कि क्या किस्मत जैसा रेडर होना चाहिए, जरूर कुछ चीजों पर और कार्य करना होगा। बट निशांत की तरफ से एक बहुत ही अच्छा एंकल होल्ड गंगाराम को एक बार फिर से शिकार बनाते हुए,
दो बार गंगाराम ने इनको बाहर करा तो दो बार निशांत ने बाहर कर दिया गंगाराम को। और ये वो हल्की हल्की सी राइवलरीज जो यदि रेडर अपने प्लान को चेंज ना करे तो परिस्थिति आमतौर पे यही आती है कि एक ही कॉर्नर से वो बिल्ते हुए नजर आते हैं। 5 बोनस 16 टच पॉइंट 120 कंप्लीट करा किस्मत सिंह ने, तो 19 पे इनके साथी खिलाड़ी ओपनर टीम के खिलाड़ी भी नजर आएंगे जिनका नाम ओम प्रकाश चौधरी है। क्या आज वो भी अपना 120 कंप्लीट कर सकते हैं? 4.5 मिनट 4.25 मिनट समय तो पूरा है। भारतीय महिला जिस तरह से हम कहते हैं ना कि भारतीय नारी सब पर भारी, और वहाँ देखिए अंजनी जी आपको एक कॉर्नर पर नजर आ रही हैं, और टीवी रेफरी पर भी हम जरूर वहाँ पर मैच रेफरी पर हम जरूर देखना चाहेंगे कि वो कौन है और दो और कॉर्नर पर कौन कौन है। यहाँ देखिए नंदिनी जी वहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर धर लिया जाएगा किस्मत सिंह को, यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा। अब भले इनका शिकार हो, अपनी टीम के लिए जो काम करना था वो कर गए, हालांकि जीत नहीं मिलेगी। अनुज के सामने पहले जंप लगाया, अनुज पूरी तरीके से खाली थे, तो दूसरी तरफ कि वापस अपने आप को बैक ड्रिल कर पाए, बट जाते जाते वहां पर हाथ जो है वो थोड़ा सा सर पर लगा और वहां पर एक अंक अभिनव यादव को मिला। अब काजू कुमार महातो जो है रेड लगाने जाएंगे, राइट रेडर शुड ऑलवेज टर्न राइट, बट अनुज सैनी ने पहले ही वो राइट टर्न को लेने से पहले अपना राइट कार्य को किया और अपना शायद हाई फाई भी पूरा किया अगर पहला टच उनसे है तो। कॉर्नर्स या फिर चेन टैकल्स वो सब इनिशिएट करना सीखिए ओम प्रकाश चौधरी। इस खिलाड़ी ने ना सिर्फ सीखा है बल्कि जो सीखा है वो आंकड़ों में दिखाया भी है। 23 पॉइंट निकाले हैं आज के मुकाबले में, 120 कंप्लीट करने वाले आज के इस मुकाबले के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। दो हाई फाइव, दो 120, सब कुछ हमने देखा और कुल मिला के स्कोर हर्षित इस मैच का 100 से ऊपर। और होंगे अभी तो गिनते चले जाइए, अंतिम कुछ मिनट्स में भी यहाँ पर, अंतिम कुछ सेकंड्स में भी यहाँ पर सिंह ने कह रहा है कि हमारे रेडर्स अब मानने वालों में ऐसे हैं नहीं। अंतिम रेड भी जो आई है वो एक सुपर रेड आई है और यहाँ